तो ब्लैक पैंथर वर्सेस डेडपुल पार्ट टू में ब्लैक पैंथर किसी गलतफहमी की वजह से डेडपुल की गर्दन उड़ा देता है, लेकिन जब ब्लैक पैंथर डेडपुल की गर्दन वापस करता है तो उसे सिर्फ एक ही बात कहता है कि तुम्हें वकांडा से वापस चले जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों डेडपुल फिर से ब्लैक पैंथर से कहता है कि मुझे सिर्फ एक इंच वाइब्रेनियम दे दो ताकि मैं मिस्टर लंकिन को ठीक कर सकूं। लेकिन दोस्तों यहां पर डेडपुल जानता था कि ब्लैक पैंथर इस बात के लिए नहीं मानेगा, इसलिए वो अपने पाउचेस में पहले ही बॉम्ब फिट कर चुका था। और दोस्तों तभी एक ब्लास्ट होता है जिस वजह से डेडपुल आजाद हो जाता है और डेडपुल और ब्लैक पैंथर के बीच में हमें काफी ज्यादा तगड़ी फाइट देखने को मिलती है। और डेडपुल तभी अपने टेलीपोर्टेशन डिवाइस का यूज कर ब्लैक पैंथर के वेपन रूम में पहुंच जाता है और वहां से एक आर्मर चुरा लेता है, जिस वजह से डेडपुल हमारा बन जाता है पैंथर पूल। और ये जो पैंथर पूल होता है वो ब्लैक पैंथर पर काफी ज्यादा भारी पड़ रहा था। लेकिन तभी डेडपुल के टेलीपोर्टेशन डिवाइस में कोई खराबी आ जाती है और डेडपुल वाइब्रेनियम की माइन में टेलीपोर्ट हो जाता है, और जिस वजह से आगे हम लोगों को देखने को मिलता है कि पूरा का पूरा वाइब्रेनियम का पहाड़ ही डेडपुल के साथ में वकांडा से गायब हो जाता है।